यूपी विधान परिषद में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से सदन की चर्चा उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद के इर्द गिर्द घूम रही है। अब इसी सिलसिले में बजट पर विधान परिषद में मोहसिन रजा का भाषण वायरल हो रहा है। दरअसल मोहसिन रजा ने बजट पर भाषण देते हुए योगी सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा था कि मुसलमानों को टोपी से टाई और कट्टे से कलम की ओर ले जाना है। वो मुस्लिम समाज कहलाता है, अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज। कम से कम आदरणीय योगी सरकार ने एक काम की ऐसी आधारशिला डाल दी कि अब हमारे परिवार से लोग पढ़ने लिखने निकलेंगे, कट्टा पिस्तौल लेकर नहीं निकलेंगे। इसकी प्रथा आपने डाली थी। तमाम लोगों को आपने माफिया और तमाम लोगों को गुंडा बनाने का काम अगर किसी ने किया था वो समाजवादी पार्टी ने किया था। इसलिए आज हमारे नौजवान बच्चे रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कारोबार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है। मोहसिन रजा ने इसके बाद आज तक से खास बातचीत में अपने इस बयान का समर्थन करते हुए क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। जाहिर सी बात है, हमें मुख्य धारा से जोड़ना है उनको। क्या वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे? हमेशा वो टोपी लगाकर एक विशेष पार्टी के लिए वोट डालते रहेंगे, तुष्टिकरण की भेंट चढ़ते रहेंगे? समाजवादी पार्टी ने इसके सिवा क्या किया उनके साथ में? दिया क्या उनको? मदरसे के नाम पर दोहन किया उनका, शोषण किया है और अपराध की तरफ झोंकने का काम किया है। अपराधीकरण राजनीति में अगर किसी ने किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। हम आज अपने नौजवान साथियों को, नौजवान बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। आदरणीय मोदी सरकार में एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात हमने करी है। इससे पहले बताइए, कोई आदरणीय योगी सरकार से पहले इस तरह की नजीर कोई बता दीजिए कि अपराधियों पर इस तरह की कार्रवाई कभी हुई हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो। ये किसी में साहस नहीं है। आज पुलिस का एक बाल कायम है आदरणीय योगी सरकार में। आज अपराधी भाग रहा है, आज व्यापार लग रहा है, आज खुशहाली है, आज देखिए हर तरफ अमनो अमान है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश के अंदर नहीं विश्व में हो रही है। हालांकि मोहसिन रजा का ये बयान शायद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गले नहीं उतरा और ओवैसी ने मोहसिन समेत पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। ओवैसी ने उल्टा सवाल पूछ लिया कि मुसलमानों को टाई लगाने बोल रहे हैं, पीएम मोदी खुद तो टाई लगाते नहीं है। अच्छा पहले प्रधानमंत्री को टाई तो पहनाओ, टाई नहीं पहनते वो बेचारे। अच्छा पहले प्रधानमंत्री को टाई तो पहनाओ, टाई नहीं पहनते वो बेचारे। अच्छा पहले प्रधानमंत्री को टाई तो पहनाओ, टाई नहीं पहनते वो बेचारे। असदुद्दीन ओवैसी और मोहसिन रजा के बीच शुरू हुई ये तूतू मैमे अब किस मोड़ पर खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा।